व्हाट्सअप फैमिली, वेलकम टू माय न्यू एपिसोड ऑफ आर्क। आपका स्वागत है मेरे नए एपिसोड आर्क में। तो गाइज, आज का एपिसोड हम जा रहे हैं मैग्मासोर के बच्चे को हैच करने, और देख सकते हो कितना ही प्यारा मैग्मासोर का बच्चा आया हुआ है। इसको इम्प्रिंट करते हैं, एंड इसका नाम मैंने पहले एपिसोड में ही मतलब बता दिया था, इसका नाम मैं लावा रखने वाला हूँ। तो लावा नाम रख देते हैं, एंड इस लावा के बच्चे को बीच में लेके आते हैं ताकि ये कहीं उधर पे बड़े हो के मतलब ख़राब ना कर दे, जगह ना घेर ले। तो इसको भाई क्या ही क्यूट वॉक कर रहा है ब्रो, बेबी लावा, अपना बेबी लावा। आओ पीछे आ जा बेटा, पीछे आ जा, मेरे पीछे आ जा। एंड क्या ही प्यारा सा पपी टाइप का लग रहा है ब्रो, मतलब कसम से बहुत प्यारा लग रहा है। इतने छोटे छोटे पैर और वॉक्स कर रहा है अपने पैरों से। तो ठीक है, इसको बीच में इधर ही पे छोड़ देते हैं, एंड इसके बाद इसको स्टॉप कर देता हूँ। स्टॉप कर दे नहीं, इसके लिए ये गाइस, हाँ तो इसको बड़े होने के लिए इसको क्या चाहिए, सल्फर चाहिए। तो इसको सल्फर खिलाना पड़ता है, ऐसे कोई लॉजिक नहीं होता ये, बट हाँ ये थोड़ा सा लॉजिक भी हो सकता है, क्योंकि ये तो मतलब लावा वावा में रहता है, तो क्या पता ये सल्फर से ही इसका पेट भरे। तो लेट्स चेक कि ये सल्फर खाता भी है या ऐसे ही मुझे उल्लू बनाया गया है। नहीं, ये सल्फर खाता है, हाँ ये सल्फर खाता है। ओके ठीक है, तो अभी चलो इसको सल्फर उल्फर खिला देते हैं, इसमें ढेर सारा सल्फर रख देते हैं, एंड अब निकलते हैं अपना काम की ओर। तो गाइज, सल्फर खिला दिया इसको, अब बड़े होने का वेट करते हैं। तो गाइज, आप देख सकते हो ये हमारा बेबी लावा नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको बहुत सारे सल्फर्स दिए थे, बट ये सल्फर खाने के बावजूद ख़त्म हो गया और ये स्टार्वेशन से मर गया। इसको भूख लगी थी और मैं ध्यान नहीं दिया और ये मर चुका है गाइज, बहुत सैड है। तो गाइज, आज के एपिसोड मैं थोड़े मेमोरियल के लिए अपने जितने भी डायनोस मैंने खोए थे उसके लिए मैं सबको याद करने के लिए ग्रेवस्टोन बना रहा हूँ, ताकि मैं लिटरली स्टार्टिंग से मेरा स्टार्ट करो जर्नी। तो मैंने वो किया था, मैंने रीडाए टीम किया था, रेडी नाम था, फिर रीडाए था, फिर उसके बाद रेडियन था, और वो सारे कितने प्यारे प्यारे डायनोस थे जो कि मेरे बेवकूफ़ की वजह से मरे। और कुछ तो ऐसे ही, अब वो रेड फ्ली को देख लो जो कि फिलहाल की 3-4 पहले एपिसोड में वायरन के सामने जाके मर गया था, वो तो गधा था। और बाकी कितने प्यारे प्यारे डायनोसॉर जो मेरे जर्नी को इंटरेस्टिंग बनाते हुए अपने आप को कुर्बान दे दिए, तो उन्हीं की याद के लिए मैं आज यहाँ पे पूरा करने वाला हूँ, उनके लिए ग्रेवस्टोन, उनकी मेमोरियल के लिए उनके पास रखने वाला हूँ। तो गाइज, आपको एक और इंसिडेंट याद होगा अगर आप पिछले वीडियोज़ को देखते होगे, तो आर्क में एक बहुत प्यारा मतलब मेरे पास आर्क था, ARC वाला अर्जेंट एविस था। तो गाइज, वो कितना प्यारा था, उसके मतलब वो एक थाइला को टेम करने के चक्कर में मैंने मतलब उसको अंडर एस्टिमेट किया उसकी हेल्थ को, और मैंने मतलब सोचा कि वो बहुत ज़्यादा हेल्थ होगा उसके पास, लेकिन वो ब्लड ब्लीडिंग इफेक्ट के कारण उसके हेल्थ नहीं बचा और वो मर गया, जो कि मुझे बहुत सैड हुआ था उस दिन में, क्योंकि वो बहुत मेहनत से मैंने उसको टेम किया एंड उसको बड़ा करके लेवल अप कर रहा था, लेकिन वो नहीं रहा। तो गाइज, सबसे पहला जो आगे मैंने रखा है वो आग को रखा है, मतलब ARC वाला अर्जेंट एविस, क्योंकि वो मेरा बहुत प्यारा सा भाई बडी था जो कि मैं रख रहा था। एंड अभी भी जो सबसे पहले स्टार्टिंग वाला डाइनो जो मैंने रखे हुए अपने पास वो है बडी, जो कि मेरा एंड्रू सार्कस है जो कि मैंने अपने रखा है, वही मेरा सबसे पहला डाइनो है। और ये दूसरा मेरा लावा, जिसकी कोई गलती नहीं थी और वो बेचारा ऐसे ही फालतू में मारा गया, मतलब थोड़ा स्टार्वेशन मतलब भूख के कारण, तो उसका अभी नाम मैं रख लेता हूँ एंड लावा द मैग्मासोर। मतलब कितना कूल था ब्रो वो, मैंने बहुत अच्छे से हाइस किया था पिछले एपिसोड में, उसका अंडा चोरी किया था, लेकिन मेरे फालतू के वजह, मतलब मेरे फालतू ध्यान नहीं देने की वजह से वो बेचारा नहीं रहा। ठीक है, आग द अर्जेंट एविस इसका नाम इसलिए मैं पूरा रख रहा हूँ ताकि पता तो चले लोगों को, आऊँ तो कौन है आर्क। तो आर्क अर्जेंट एविस, लावा मैग्मासोर, और ये हमारा स्टार्टिंग के ट्राइक्स थे ना ब्रो, मतलब ट्राइक्स याद करो तो मेरा यहाँ पे रीडाई था जो कि मेरा एक ट्राइक था, और उसका पूरा फुल है ट्राइसेप्टोसोरस, कुछ ऐसे ही नाम है, बट ठीक है। तो रीडाई मेरा पेट्राडॉन था, सॉरी मेरा रीडाई पेट्राडॉन था, और फिर उसके बाद रेडियन मेरा ट्राइक था, एंड रेडियन ट्राइक, और एक और ट्राइक था मेरे पास, वो भी शायद रेडी था ना, मैंने गलत लिख दिया क्या,
बट जो भी है, मतलब मेरे पास दो ट्राइक्स थे एंड वो दोनों ट्राइक्स अब नहीं रहे। अच्छा रेडी नाम था, रेडी REDI था, और वो मेरा पहला ट्राइक, और दूसरा रेडियन, तीसरा मेरा पेट्राडॉन, और तीसरा टीम तो मेरा वो बडी था। और ग्रेवस्टोन लेके आने पड़े मुझे गाइस, ताकि और भी डायनासोर मरे हुए हैं मेरे चक्कर में। तो गाइस मैं एक अपना एक मेरा मेविंग था, तो गाइस आपको याद होगा ये मेरा दूसरा मेविंग है, पहला वाला मेविंग भी था फ्लू नाम का। वो क्या हुआ था ना गाइस, उसका चक्कर में बताता हूँ, वो रिकॉर्ड भी नहीं हो पाया था क्योंकि एक दोस्त आया हुआ था मेरे घर पे, उसको दिखाने के चक्कर में मैंने अपना कंप्यूटर खोला एंड वो मैं लावा वाले एरिया में ले जाके उसको गलती से ड्रॉप कर दिया और वो वहीं पे मर गया था। तो गाइज उसका भी नाम हम रख लेते हैं फ्लू नाम था, और दूसरे वाले का नाम जो अभी मेरे पास टेम्ड है उसका नाम फ्लूई है। जो मेरा फ्लू था उसका मतलब वो भी बहुत क्यूट था, तो वो भी नहीं रहा, तो उसका नाम भी हम इधर पे दर्ज कर देते हैं। एंड बाकी दो जो होंगे मैं याद करके उनका नाम भी डाल दूंगा। एंड मेरे वायरन सारे तैयार हो चुके हैं, वो पूरे मैंने छत पे लगा के रख दिया उनको, मतलब अपने सीलिंग पे थोड़ा सा कासल लुक देने के लिए, ऊपर ड्रैगन्स होते हैं उस चक्कर में। अपना दरवाज़ा बंद करते हैं एंड ये मेरा मेमोरियल, मतलब उनके उनके याद में मैं ये सब रखा। थोड़ा पानी पी लेते हैं एंड उनकी याद के लिए मैंने ये एपिसोड डाला है। एंड इस वाले मैग्मासोर को इधर से हटाना ज़रूरी है क्योंकि देख के थोड़ा सा बुरा लगता है। इस चक्कर में मैं ये काम, इसके अंदर कुछ है क्या, ये काम मैं रेक से ही करवाने वाला हूँ गाइज, इसके अंदर कुछ नहीं है। तो भाई देख रहे हो वो इनेबल स्मेल्टिंग, मुझे पता नहीं था बट ये स्मेल्ट भी कर सकता था। ये आयरन को आयरन इंगोट विदाउट एनी कोल वोल के मदद से करते थे, मुझे पता ही नहीं था। तो गाइज ये काम मैं रेक्स पे छोड़ता हूँ एंड ये रेक्स इसको हटा देगा यहाँ से, एक ही बाइट में हटा देगा आई गेस। सो गाइज क्या बोलूँ, सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के मेमोरियल में आप जुड़े उसके लिए मैं बेहद खुश हूँ। तो गाइज मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।